रमेश बताइए लाल। अपना नाम वगैरह, बताइए परिचय बताइए। मेरा नाम रमेश लाल और मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरा इलाज चल रहा है जम्मू में मेडिकल कॉलेज। और उधर डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो डॉक्टर ने पूछा कोई आपके पास कार्ड बना हुआ है गोल्डन कार्ड? तो मैंने बोला हाँ। उस कार्ड के थ्रू मेरा इलाज शुरू हुआ और वो उसके कार्ड के थ्रू इलाज हो रहा है मेरा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता रमेश हूँ जी, क्या केंद्र से। करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है? हाँ जी, अपने खुद की गाड़ी है? नहीं किसी की ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, तो ये कैंसर जब आपको हुआ पता चला तो पूरे घर में बहुत बड़ी चिंता हो गई होगी, आपको लगा होगा हाँ आप क्या करेंगे। हाँ जी, बहुत बड़ी चिंता हो गई, बहुत परेशान हो गए कि कहाँ से इलाज कराना है। बहुत महंगा इलाज था, ये करा नहीं सकते थे हम लोग। अभी क्या स्थिति है, कितना खर्चा हो रहा है आपको? खर्चा तो अपने से थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन जो कार्ड नहीं होता था तो नहीं करा पाते इलाज हम, वो तो यानी कार्ड कार्ड के थ्रू ही हो रहा है। के आने के बाद अब कोई खर्चा नहीं हुआ, हाँ नहीं होगा यानी पूरा और कार्ड तरह किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा है आपको, नहीं, कोई 1 रुपया नहीं देना पड़ा। और ट्रीटमेंट ठीक होती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक होता है। चलिए रमेश जी, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाइए और आपके परिवार को भी बहुत जल्दी परमात्मा की कृपा रहे ताकि आपको आगे कोई तकलीफ ना हो। आयुष्मान भारत ने आपके जीवन को आयुष्मान बना दिया है। हाँ जी, एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कार्ड बना उसकी वजह से मेरा इलाज हुआ, नहीं तो इस दुनिया में नहीं होता अभी तक। नरेंद्र भाई मोदी ने स्कीम चलाई और वो कार्ड मिला मुझे, तो मैं इलाज करा हुआ है, नहीं तो मेरी फैमिली और आप कहाँ होते इस दुनिया में। रमेश जी, बहुत आप अपना नसीब लेके आए हैं, आप लंबी उम्र लेके आए हैं। नसीब तो मैं अपना लेके आया हूँ, लेकिन स्कीम नहीं होती तो नसीब क्या करता मेरा? मेरा नसीब कुछ नहीं कर सकता था, वो स्कीम के थ्रू ही मेरा नसीब हुआ। आज मैं बैठा हूँ आपके साथ बात कर सकता हूँ। चलिए, ईश्वर ने हम बहुत बहुत लोगों को प्रेरणा दी और हम सब एक अच्छी स्कीम बना पाए जो देश के गरीबों को इस प्रकार से मदद करे, और आप जैसे लोगों के आशीर्वाद, संकोच। आप जैसे लोगों के आशीर्वाद हमें गरीबों की और सेवा करने की ताकत देते हैं। लेकिन रमेश जी, मेरा आपसे आग्रह है, हाँ जी आपकी तबीयत जब जैसे भी ठीक हो जाए, जिससे भी आपका मिलना हो जाए, आप उसको जरूर बताइए कि भाई आप अपना कार्ड निकलवा दीजिए और ये जो योजना है उसका आप फायदा लीजिए। हर गरीब को बताइए, आप सभी ड्राइवर भाइयों को बताइए, हाँ जी सर, बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे सर, चलिए, क्यों बहुत नहीं। बहुत शुभकामनाएं भैया। शुक्रिया, थैंक यू सर।